साथियों, भारत ने महामारी के मुश्किल समय में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान भी शुरू किया। इसमें भी हमारी स्टार्टअप्स आज बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। महामारी के दौरान जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही थी, भारत में स्टार्टअप्स की एक नई फौज तैयार हो रही थी। देश में सैनिटाइजर से लेकर पीपीई किट्स की जरूरत थी, सप्लाई चेन्स की जरूरत थी, उसमें हमारे स्टार्टअप्स ने बड़ी भूमिका निभाई। लोकल जरूरतों के लिए लोकल स्टार्टअप खड़े हुए। एक स्टार्टअप ने ग्राहकों को रसोई का जरूरी सामान पहुंचाने का काम किया तो किसी ने दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरू करवाई, किसी स्टार्टअप ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन के संसाधन उपलब्ध करवाए तो दूसरा ने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तैयार किए। यानी इन स्टार्टअप्स ने आपदा में अवसर भी खोजा और विपदा में विश्वास भी बांधा। साथियों, आज स्टार्टअप्स की सफलता की ये कहानियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, आज 8 अवार्ड्स तो ऐसे स्टार्टअप्स को मिले हैं जो मेट्रो सिटीज में नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में खड़े हुए हैं। कोई लखनऊ से है, कोई भोपाल से है, कोई सोनीपत से है, तो कोई कोची और तिरुवनंतपुरम से है। क्योंकि आज भारत का हर राज्य स्टार्टअप इंडिया मिशन में भागीदार है। हर राज्य अपनी लोकल संभावनाओं के हिसाब से स्टार्टअप्स को सपोर्ट और इंक्यूबेट कर रहा है और इसी का परिणाम है कि आज भारत के 80% जिले स्टार्टअप मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। हमारे 45% स्टार्टअप आज टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में आते हैं, जो कि लोकल प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं।